पहले तो दो बच्चों ने गिराया ना, हजरत मुआज और मुआविज ने, हजरत मुआज और उन्होंने जब तलवार मारी ना, अल्लाह जब दीन का काम लेता है तो छोटे छोटे बच्चों से भी ले लेता है। दुश्मन बारी और दुश्मन मुस्तफा करीम को उन्होंने छलांग लगाई, एक ने तलवार मारी गिरा, दूसरे ने मारी, तो उस अबू जहल के बेटे जो हजरत इकरमा बाद में सहाबी बन गए, उन्होंने ना तलवार मारी हजरत मुआज को, तो उनका ये बाजू जो था ना लटक गया, यानी छोटा सा गोश्त का टुकड़ा बच गया, उसके साथ लटक गया और वो गिर गया। अब वहां से वो दोनों भागते हुए हुजूर के पास आ गए, हजरत मुआज और मुविस। हजूर करीम अलैहिस्सलाम ने जो ही बाजू देखा ना उनका लटकता हुआ, मेरे मुस्तफा ने अपना लुआब निकाला और यहां पे लगाया और उसे एडजस्ट कर दिया। कुर्बान जाऊं हुजूर की, क्या क्या मकाम है मेरे मुस्तफा का। और आज भी हुजूर का कलमा पढ़ने वाले मेरे मुस्तफा का मकाम नहीं समझ सके। थूक लगाओ ना, कोई कोई लगाया ना थूक, थूक बल्कि कमरे में डालो तो बीवी भी पांच छह सलावातें निकाल देगी कि तेनू कोई तमीज को नहीं, थाई खराटे सट्टी पिया है ना, ऐसी है ना भाई। और मेरे मुस्तफा का लुआबे दान कुर्बान जो हुजूर ने दुआ को निकाली और जहां लगाई तो वो बाजू, और ये पता है ये साहबी इसी बाजू के साथ हजरत उस्मान गनी के दौर तक जिंदा रहे। इनकी विसाल हजरत उस्मान गनी के दौर में हुआ, इसी बाजू से वो काम करते रहे। हजरत मुअव्वज जो दूसरे भाई थे इनके, वो उसी जंग में शहीद हो गए गज़वे बदर में ही। और हजूर अलैहिस्सलाम ने अबू जहल का सारा सामान इन्हीं को अता किया था, हजरत मुआज को,